आप देख रहे हैं देवास का अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। सरकार को दिखाया आईना, शिक्षकों के ने धरने पर बैठकर बच्चों को पढ़ाया। ओबीसी चयनित शिक्षक अपनी नियुक्ति को लेकर विगत वर्षों से ही संघर्ष करते आ रहे हैं। धरना प्रदर्शन रैली द्वारा लगातार अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रख रहे हैं। सरकार के विभिन्न मंत्रियों से भेंट कर अपने चयन को लेकर अपना पक्ष रख चुके हैं। लोक शिक्षण संचालन के अधिकारियों से भी भेंट कर अपनी समस्याओं से अवगत करा चुके हैं। इतने ही नहीं, इस संघर्ष को विपक्ष का भी पूर्ण समर्थन मिल रहा है। बावजूद इसके कई महीनों से जारी इस संघर्ष का अब तक कोई सार्थक परिणाम प्राप्त नहीं हुआ है। अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी है। 3 अप्रैल क्रमिक भूख हड़ताल में परिवर्तित होते हुए अभी जारी है। अपनी मांगों को लेकर इस हड़ताल में बैठे चयनित शिक्षक प्रतिदिन अलग अलग आंदोलन कर अपनी नियुक्ति को लेकर ध्यानाकर्षण करा रहे हैं। ज्योतिबा फुले की जयंती पर दी शिक्षा। ओबीसी चयनित शिक्षकों द्वारा मध्यम वर्गीय व गरीब बच्चों को ज्योतिबा फुले की जयंती पर धरना स्थल पर ही पढ़ाया गया। चयनित शिक्षक किरण राठौड़ ने अपने बच्चों को शिक्षा का महत्व बताते हुए कहा कि बिना शिक्षा जीवन में ना ही सफलता मिलती है और ना ही जीवन जीने की राह। यदि कुछ बनना है और अपने सपनों को साकार करना है तो बच्चों तुम्हें अपनी ही मेहनत से अभी से मेहनत शुरू करना होगा। ऐसे संदेश के साथ धरना स्थल पर पवन सिंह गौड़, धर्मेंद्र टकरावदिया, संगीता पाटीदार व चंचल धीरेजा थोरेजा ने बच्चों को शिक्षा दी। कई परीक्षाओं में ओबीसी आरक्षण 23% कर दिया गया है, लेकिन चयनित शिक्षक के मामले में ओबीसी आरक्षण 14 के हिसाब से ही दिया गया। 13% चयनित शिक्षक को भी आज भी होल्ड कर रखा गया है। ओबीसी के चयनित शिक्षक जो लोक शिक्षण संचालन के बाहर लंबे समय से धरने पर बैठे हुए हैं, वे लगातार भूख हड़ताल कर रहे हैं। उनका कहना है कि अब नियुक्ति पत्र को लेकर यहां से उठेंगे। अधिक उम्र व नई प्रक्रिया का डर। सरकार की उच्च अधिकारियों का कहना है कि मामला कोर्ट के विचारधारी होने के चलते आगे की प्रक्रिया नहीं बढ़ पा रही है। इसके चलते उम्मीदवारों को अधिक उम्र होने व परीक्षा की वैधता अवधि बढ़ाने के बाद दोबारा खत्म होने का डर सता रहा है। यह संघर्ष अब आगे और भी बड़ा रूप ले सकता है। इसको लेकर चयनित शिक्षक लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, जबकि भूख हड़ताल पर बैठे इन शिक्षकों के हाल चाल पूछने अब तक कोई भी बड़ा जिम्मेदार अधिकार नहीं पहुंचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्र नवाचार। अब मैडम कहानी सुनाएगी आपको। बताए अपने बड़ा मजेदार।